क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है, थर्ड पार्ट ये दिया हुआ है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी ये, और दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो मैंने है ना ये पहले आपको बताया हुआ है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, और सेकेंडली जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ए वन वन एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के ए वन वन एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद उसका ए वन टू एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के ए वन टू एलिमेंट्स के इक्वल होगा, एंड सो। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। हम क्या करेंगे, जो ये दो मैट्रिक्स दे रखी है इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ए वन वन एलिमेंट जो फर्स्ट मैट्रिक्स का है वो सेकंड मैट्रिक्स के ए वन वन एलिमेंट के इक्वल होगा, मींस 4 इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 4। उसके बाद जो फर्स्ट मैट्रिक्स का है इसका ए वन एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के ए वन एलिमेंट के इक्वल होगा, तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 3। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ए वन टू वन एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के ए टू वन एलिमेंट के इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? 1। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद हमारे पास है इसमें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमने सेम एज इट इज करना है। देखो हमारे पास जो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो ये एलिमेंट दिया हुआ है ये हमारे पास एक एलिमेंट है, न कि तीन एलिमेंट। ये हमारे पास एक एलिमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो सबसे पहले हमने है ना ये देखो जो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और इसमें कॉलम कितनी है? एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 बाय 1। जो हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दी हुई है इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 3 बाय 1। तो ऑर्डर सेम है। और अब क्या करेंगे, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या होंगे? हमारे सेम होंगे। तो यहां से हमारे पास जो हमारे पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स दी हुई है इसका ए वन वन एलिमेंट जो सेकंड मैट्रिक्स दिया है इसके ए वन वन एलिमेंट के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये सेकंड इक्वेशन होगी। उसके बाद वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये थर्ड इक्वेशन होगी। तो अब हमने इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है इसमें x प्लस z की वैल्यू 5 है, हम यहाँ पर फर्स्ट में रख देंगे, वहां से हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y प्लस x प्लस z की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 9 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा? 4। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है इसमें y प्लस z की वैल्यू 7 है, हम यहाँ पर फर्स्ट में रख देंगे, वहां से हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। x प्लस y प्लस z की वैल्यू हमारे पास 7 दी हुई है इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अब हमने वैल्यू निकालनी है z की। हमारे पास y और x की वैल्यू निकल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, वहां से हमारी z की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू हमारी आई थी 2, y की वैल्यू आई है हमारी 4, और प्लस z इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमारे पास z इज इक्वल टू 9, 2 प्लस 4 6, तो यहाँ पर z की वैल्यू आएगी हमारी 3। सो x की वैल्यू हमारी आई है 2, y की वैल्यू आई है हमारी 4, और z की वैल्यू आई है हमारी 3। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन।
हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसमें से हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स दी हुई है उसका ए वन वन एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के ए वन वन एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास सबसे पहले हमने इसमें ऑर्डर देखना है, हमारे पास है ना यहाँ पर ये ए वन वन एलिमेंट है, इसमें वन टू टू रो है, वन टू टू कॉलम है, इसमें हमारे पास टू रो टू कॉलम। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है उनको इक्वेट कर देंगे, इक्वल रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी, ये ए वन वन एलिमेंट है और जो सेकंड मैट्रिक्स है इस ए वन वन एलिमेंट के इक्वल होगा, माइनस वन, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास ए वन टू एलिमेंट है और इसमें भी ए वन टू एलिमेंट ये फाइव है, ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टू ए प्लस सी इज इक्वल टू फाइव। उसके बाद हमारे पास जो ये एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि ए टू वन, तो जो दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास उसका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट जीरो है, ये इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनेगी। उसके बाद हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये ए टू टू एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का, और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका ए टू टू एलिमेंट हमारा क्या है, थर्टीन, ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन, ये फोर्थ इक्वेशन होगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, इनमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, हम इनके सिंबल चेंज कर देंगे, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, ये ऐसे ही होगा हमारा, तो ये इसके साथ क्या हुआ, कैंसिल, यहां पर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, वन। और अब हम क्या करेंगे, जो ए की वैल्यू है ना वो इक्वेशन नंबर एक में रख देंगे या फिर तीन में रख देंगे, वहां से हमारी बी की वैल्यू निकलेगी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर एक में ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, ए की वैल्यू हमारे पास वन है, यहां पर हम वन रख देंगे, वन माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस बी इज इक्वल टू इसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस वन माइनस वन, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, टू, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यू निकाल ली है सी और डी की, जो ए की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर दो में रख देंगे, यहाँ पर हमारे पास है टू सी प्लस सॉरी टू ए प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, टू ऐसे ही ए की वैल्यू हम वन रखेंगे यहाँ पर, प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, टू प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, और सी की वैल्यू हमारी आएगी थ्री। और अब C की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फोर में रख देंगे, वहां से D की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर थ्री इंटू सी की जगह रखेंगे थ्री प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन, नाइन प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन, और D इज इक्वल टू थर्टीन माइनस नाइन, और D इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, फोर आएगा। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, हमारे पास इसका एक और मेथड है बताने का, अगर मान लो हम इसको प्रूव करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस वन होना चाहिए, यहाँ पर फाइव है तो यहाँ भी फाइव होना चाहिए, देखो कैसे प्रूव करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे हम, ए की वैल्यू देखो क्या हमारे पास, वन, और वहां पर बी की वैल्यू देखो कितनी हमारे पास, टू, तो वन माइनस टू कितना आएगा, माइनस वन, देखो यहाँ पर माइनस वन है, ऐसे इसको हमने प्रूव करके दिखाना है, ये हमारी ए बी सी की वैल्यू।